से पाकिस्तानी शोबिज इंडस्ट्री की हुबरू अदाकारा यूना जैदी ने ब्राइडल फोटोशूट में हुस्न के जलवे बिखेर दिए। ड्रामा तेरे बिन से शोहरत की बुलंदियों को छूने वाली अदाकारा यूना जैदी ने हाल ही में करवाए गए फोटोशूट की तस्वीर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग ऐप इंस्टाग्राम पर शेयर की, जो देखते ही देखते वायरल हो गई। सीनियर अदाकारा सैमी राहिल का कहना है कि शोबिज में अब कुछ लोग ऐसे हैं जो अदाकार नहीं बल्कि कमाई करने आए हैं। अदाकारा सैमी राहिल ने निजी टीवी चैनल के शो में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अब इंस्टाग्राम देखकर ड्रामों में कास्ट किया जाता है, जिसको मेकअप अच्छा करना आता हो और उर्दू बेहतर हो उसे ले लिया जाता है। ताहम अब भी कुछ डायरेक्टर सलाहियत देखकर अदाकारों को कास्ट करते हैं। सीनियर अदाकारा ने मजीद कहा कि टिकटॉक और इंस्टाग्राम देखकर किसी को ये नहीं लगेगा कि पाकिस्तान का मौशरा तंग नजर है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे अदाकार हैं जो कि हकीकत में अदाकार नहीं बल्कि कमाई करने वाले लोग हैं। उन्हें देखने के बाद लोग उन्हें भूल जाते हैं और उनके काम को याद नहीं रखते। बॉलीवुड किंग शाहरुख खान की बेटी सुहाना खान ने अदाकारी के बाद गुलूकारी के मैदान में भी कदम रख दिया। सुहाना खान नामवर फिल्म साज जोया अख्तर की फिल्म दी आर्चीज के साथ अपने शोबिज कैरियर का आगाज कर रही हैं और अब नई खबर के मुताबिक फिल्म में उनका गाना भी शामिल है। दी आर्चीज की रिलीज से कबल फिल्म मेकर्स ने म्यूजिक एल्बम लॉन्च किया है, जिसमें शाहरुख खान की बेटी का गाना जब तुम न थी शामिल है। सुहाना खान ने इंस्टाग्राम पर ऐलान करते हुए लिखा कि उन्होंने किसी भी फिल्म के लिए अपना पहला गाना गाया है। साथ ही उन्होंने जोया अख्तर और शंकर महादेवन का शुक्रिया भी अदा किया।